प्रस्तुत करता है वनस्पति जगत की एक नई जानकारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और हाजिर हूं आज फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि पपीता हमारे और आपके लिए कितना लाभकारी है। अगर हम पपीते का सेवन करें तो हमें किन किन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, हम पपीते का सेवन करके किन किन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, आज का वीडियो इसी विषय पर केंद्रित है। दोस्तों, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें उसके पहले आपसे निवेदन कि अगर आज तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कि वनस्पति जगत के किस वनस्पति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी का ये सफ़र। दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है जिसे भारत सहित दुनिया भर में खूब खाया जाता है, ख़ास तौर पर फिटनेस फ्रीक्स तो इसके दीवाने हैं क्योंकि इसका स्वाद भी बहुत ही खास होता है। स्वाद और पोषण से भरपूर पपीता कई ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का भंडार है जो हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। आपको बता दें कि पपीते में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B9, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि तमाम तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन ई और विटामिन के जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद करते हैं। आज चलिए इसी को विस्तार में जानते हैं। दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है कि जिसका अगर हम लोग सेवन करें, नियमित रूप से अगर इस फल का सेवन करें तो हमें विभिन्न परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। आज खान पान की वजह से या हमारी जो जीवन शैली बन गई है, इस जीवन शैली में जो परिवर्तन आया है उससे सबसे ज़्यादा हम प्रभावित हुए हैं खान पान की वजह से, पाचन शक्ति को लेकर के। प्रायः पाचन से संबंधित दिक्कतों का हर व्यक्ति सामना कर पड़ा है। अगर आप पाचन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो आप अपनी डाइट में अगर पपीते को शामिल करते हैं तो अवश्य ही पाचन संबंधी विकारों से आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि पपीते में एक पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को आसानी से पचने में मदद करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर हम और आप पाचन से संबंधित किसी समस्या से परेशान हैं तो हम अपने आहार में पपीते का सेवन अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, अगर हम या आप या हमसे संबंधित किसी व्यक्ति में बालों से संबंधित अगर कोई दिक्कत है, स्कैल्प और हेयर टिश्यू को ग्रो करने के लिए हम अगर प्रयासरत हैं तो ऐसे में अगर हम पपीते का सेवन करें, पपीते का सेवन अगर हम करेंगे तो बालों में ग्रो अवश्य होगा। पपीते में विटामिन ए मौजूद होता है और विटामिन ए सीबम को प्रोड्यूस करने वाले आवश्यक तत्वों में से एक है। साथ ही दोस्तों, अगर हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है, हड्डियां कमज़ोर महसूस हो रही हैं या
हड्डियों के कमजोरी की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो रोज़ाना सुबह अगर पपीते का सेवन करते हैं तो पपीते में भरपूर मात्रा में विटामिन की मौजूदगी आपके ये हड्डियों से संबंधित समस्या को दूर करता है। ये विटामिन जो मौजूद होते हैं वो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जिससे हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। इसलिए हड्डियों से संबंधित समस्या के लिए हमें और आपको रोज़ सुबह पपीते का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमारे स्किन की समस्या में भी पपीते का सेवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम पपीते का सेवन करते हैं तो इस पपीते का सेवन करने की वजह से जो हमारे स्किन पे दाग धब्बे हैं या जो स्किन में डैमेज बन गया है वो है मुहासे हैं, विभिन्न प्रकार से पपीते का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि पपीते का मास्क भी बना करके लगाया जाता है चेहरे के सौंदर्य के लिए। तो और पपीते अगर खाते हैं तो पपीता खा करके भी स्किन की तमाम समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये रही एक जानकारी कि पपीता हमारे लिए कितना लाभकारी है। हम जल्दी ही मिलेंगे अपने किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।